इंदौर में पुलिस ने पिछले दिनों किसान से लूट करने वाले दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाश कुख्यात मांगी लाल गिरोह के सदस्य हैं, जिन्होंने किशनगंज क्षेत्र में रिवॉल्वर की नोक पर किसान से सोयाबीन लूट लिया था। आरोपियों से दो रिवॉल्वर और 16 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस ने एक जगह इस तरह की सूचना मिली थी, तो उसमें दो आरोपियों को अपराधियों को पकड़ा है और उनके पास से कुछ कारतूस भी जब्त हुए हैं। पुलिस उसमें सख्ती से कार्रवाई कर रही है और साथ ही साथ उनसे पूछताछ कर रही है कि पिछले दिनों किसी अन्य अपराध में या किसी आपराधिक षड्यंत्र में वो शामिल तो नहीं रहे, और साथ ही साथ उनकी क्या गतिविधियां थी पिछले दिनों जब वो गायब थे, उसके बारे में पुलिस बारीकी से जानकारी निकाल रही है। हाल फिलहाल सोयाबीन के मामले में उनका नाम आया था, जिसके बाद पुलिस ने पकड़ा और तस्दीक की, तो ये सारी बातें सामने आई। बहरहाल उसके अलावा भी अगर कोई घटना हो या उससे जुड़े कोई इस तरह के आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित रहे हों, उसके बारे में पुलिस बारीकी से पूछताछ।